तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, वर्किंग डेज की मार बहुत बुरी होती है और सालार और डंकी से बेहतर भला इस समय और कौन जानता होगा, क्योंकि दोनों ही मूवी अब बहुत नीचे आ चुकी हैं। जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आने के लिए 55 से 60 दिन का पैक्ट होता है, वो साइन कर चुके हैं। लेकिन भाई साहब, अभी मूवी को 15 दिन भी नहीं हुई हैं और ये मूवीज डबल डिजिट में नंबर ना कमा के भाई सिंगल डिजिट में आ चुकी हैं। जबकि इन मूवियों से उम्मीद लगाई जा रही थी कि 30 दिन 35 दिन मिनिमम इतना टिकेंगे, लेकिन भाई जिस हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रही है, 20 दिन भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। भाई सालार का 13वां दिन है और डंकी का 14वां दिन है, लेकिन कल की रिपोर्ट को कवर अप करेंगे, कल कैसा क्या सिनेरियो रहा है, क्योंकि भाई साहब कल अग्नि परीक्षा थी, कल पूरा प्रॉपर वर्किंग डे था, जिसके लिए हेटर्स बहुत लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे कि भाई जैसे ही आता है देखा जाएगा, क्योंकि आंकड़ा बहुत कम जाएगा। और यस, आंकड़ा बहुत कम गया है। पहले सालार को कवर करेंगे, देन डंकी को कवर करेंगे। क्या करना है भाई साहब, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि भाई यूट्यूब के न्यू एल्गोरिदम्स आ गए हैं। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो यार यूट्यूब बूस्ट नहीं करेगा चैनल को, तो प्लीज इतना सपोर्ट जरूर बना के रखें। सालार को कवर करते हैं भाई। कल डे 12 इस मूवी ने कंप्लीट कर लिया था, कल ट्यूजडे फुल प्रॉपर वर्किंग डे था। नेट इंडिया से 7.5 करोड़ के आसपास ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कमाते नजर आ रही, जो कि भाई देखा जाए तो जिस नाम, जो प्रभास का नाम जुड़ा है मूवी में, जो प्रशांत नील का नाम जुड़ा है, भाई ये नाम ब्लॉकबस्टर नाम है। तो इनके बावजूद, ये नाम जुड़े होने के बावजूद भी 12वें दिन में सिंगल डिजिट में कलेक्शन करना, भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि भाई इन दोनों मूवी से बहुत उम्मीदें लगाई जा रही थी कि यार ये ब्लॉकबस्टर होंगी। यस, ब्लॉकबस्टर थी कहीं ना कहीं, लेकिन यार इस टाइम पर लोगों की जेब पूरी ढीली हो चुकी है, ऊपर से ये महंगाई का जमाना, देन उसके बाद इतनी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज आई हैं, पठान, जवान, एनिमल, लियो, भाई हर महीने आई है मूवीज, और सिर्फ एक एक महीने नहीं भाई, लोगों ने डबलिंग करी है। जवान में डबलिंग ट्रिपलिंग भी करके गए हैं लोग, उसके बाद एनिमल में भी डबलिंग करी है मूवी देखने के लिए। तो भाई इस टाइम तक ढीली हो चुकी है। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक सालार का रहा है 10 करोड़, ओवरसीज से आया है लगभग 4 से 4.5 करोड़, पूरी दुनिया से 14 करोड़ के आसपास ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कमाते नजर आ रही है। तो पहले 12 दिन में सालार का हो जाता है कल एंड ऑफ द डे तक 370 करोड़ के आसपास, और ग्रॉस इंडियन कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक 435 करोड़, देन पूरी दुनिया से 667 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रख लेती है, जो देखा जाए तो भाई फ्लॉप तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सी जगह चल रहा है कि भाई फ्लॉप हो चुकी है, दोनों मूवीज को फ्लॉप बताया जा रहा है, क्योंकि भाई इन दोनों मूवी से बहुत सॉलिड हाइप थी। भाई क्या होता है देखेंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये फ्लॉप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एवरेजली ये हिट कर रही हैं, एवरेज इनकम इनके पास आ चुकी है, बजट दोनों ने रिकवर कर लिया है, पूरी दुनिया से 667 करोड़ कर एंड ऑफ द डे तक सालार कराए। भाई साहब आज भी डे, आज 13 है, सालार का डे 13 है, आज भी प्रॉपर वर्किंग डे है, आज भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 करोड़ के आसपास ये मूवी होल्ड करते नजर आ रही है नेट इंडिया से। वैसे बात करें डंकी की, तो कल डे 13 था और देखा जाए तो भाई बहुत पुअर ग्रोथ आ चुकी है, एवरेज भी नहीं कहेंगे, क्योंकि 5 करोड़ से भी नीचे ग्रोथ आती नजर आ रही है। तो कल नेट इंडिया से लगभग 4 करोड़ के आसपास इस मूवी के खाते में नेट इंडिया से ये कलेक्शन करते नजर आ रही है, सिर्फ सिंगल लैंग्वेज हिंदी से। ये कलेक्शन और भी ज़्यादा हो सकता था अगर सालार नहीं आती, क्योंकि सालार अब हिंदी सोच काफ़ी ले रही है, लेकिन साउथ की लैंग्वेज में अब सालार के पास कोई भी ज़्यादा इनकम देखने को नहीं मिल रही है, बहुत कम ग्रोथ देखने को मिल रही है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम कुछ भी हो गया, वहाँ से इतना रिस्पॉन्स अब नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई वो बजट मेंटेन करके चल रहे हैं। अभी कैप्टन मिलर मूवी आने वाली है बस 12 या 13 जनवरी के आसपास, देन काटेरा इस टाइम अलग चल रही है, देन रवि तेजा की मूवी अलग आने वाली, तो बहुत है अभी लाइन पे, बहुत मूवीज लगी पड़ी है 2024 में, दैट्स वाई कि वो लोग बजट मेंटेन करके चल रहे हैं। भाई डंकी ने कल 4 करोड़ के आसपास कल एंड ऑफ द डे तक कमाया था, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 5 करोड़ के आसपास, एंड ओवरसीज से 3 करोड़ ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कमाते नजर आ रही है, पूरी दुनिया से 8 करोड़, भाई 10 करोड़ भी नहीं आ रहा है, डबल डिजिट में ये आंकड़ा देखने को भी नहीं मिला, इस हिसाब की ग्रोथ अब हमें देखने को मिल रही है। भाई साहब फ्लॉप नहीं कहेंगे, ठीक है डंकी को अभी फ्लॉप नहीं कहेंगे, डंकी के जिस हिसाब का बजट है उस बजट से इन्होंने सिर्फ नेट इंडिया से वो रिकवर कर लिया है, बाकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन से ये अच्छा खासा प्रॉफिट छाप चुके हैं। तो पहले 13 दिन में यानी कल एंड ऑफ द डे तक नेट इंडिया से ये मूवी 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी है, सिर्फ नेट इंडिया से। नेट इंडिया से कहने का मतलब है सिंगल लैंग्वेज हिंदी से ये मूवी 200 करोड़ छाप चुकी है। हिंदी ऑडियंस की इस बार बहुत जेब ढीली हुई है, क्योंकि भाई हिंदी ऑडियंस से बहुत सी मूवीज आई हैं जिन्होंने 500 करोड़ का बजट रिकवर किया है, भाई 500 करोड़ का कलेक्शन किया है। हु नोज, अगर सालार नहीं आती तो हु नोज
साइड डंकी भी 500 करोड़ फिर से हिंदी से छाप के जा सकती थी। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 240 करोड़, पूरी दुनिया से 408 करोड़ के क्लब में ये मूवी एंट्री मार चुकी है। तो भाई साहब कल एंड ऑफ द डे तक लगभग में लगभग 408 या फिर 410 करोड़ ये मूवी कल कवर कर लेगी, अगर ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तो। ये फिलहाल अर्ली एस्टिमेट है। बाकी भाई सर्वाइव एक नहीं दोनों ही मूवी कर रही है, जहां साला अलग लेवल पर सर्वाइव कर रही है, क्योंकि उसके हिसाब से जो बजट है वो कहीं ना कहीं 400 करोड़ का भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो है इनकम उनकी ज़्यादा हो नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज़्यादा हुआ नहीं है, तो वो जो बजट देखने को मिल रहा है वो अब 300-350 करोड़ के आसपास दिखा रहे हैं। तो उस हिसाब की ब्लॉकबस्टर ग्रोथ तो नहीं है जैसी हमने इस साल बहुत सी मूवीज के साथ देखी है। एनिमल, जवान, पठान, भाई ये मूवी फाड़ के गई। देन लियो, तो क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या डंकी भाई 500 करोड़ टच कर जाएगी और सालार के 1000 करोड़ टच कर जाएगी। मैं मान के चल रहा हूँ सालार के पास 800 करोड़ का ग्रोथ आ सकता है। आप लोगों के हिसाब से क्या हो सकता है, नीचे कमेंट से जो बता गया ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।